और डीप में बात करने वाला हूँ। पूरे 2 साल का जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ शेयर करूंगा। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में। सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी सर्विस कॉस्ट मुझे आती है करीब, प्रॉब्लम ये आ गई थी इसके क्लच प्लेट उड़ गए थे तो लगे हाथ मैंने क्लच प्लेट्स भी डलवाए हैं। तो हे गाइस, दिस इज एंडी, एक बार फिर से स्वागत है सिनसिनाटी व्लॉग्स में। वेल, अभी मैं बाइक को वॉश करवाने के लिए लेकर आया हूँ। अपने भाई हैं यार, यही करते हैं, 1, 2 और ये 3। हिंद कार वॉश दुकान का नाम है भाई, यहीं से मैं करवाता हूँ। अच्छी डीलिंग है, बढ़िया से करते हैं। ये चेक करो भाई, कितना धुआं कर रही है। क्या नाम आपका? मेरा कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी हैं भाई, अभी बाइक को वॉश कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं इस बाइक की ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूं। बाइक बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी भाई। ये चेक करो भाई, अपने हीरो भाई है। ठीक है, आप वीडियो पे आ रहे हो, वीडियो पक्का देखना। पक्का। चैनल को सब्सक्राइब कर रखे ना पूरा। वाह भाई वाह, क्या चमक रही है बाइक। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी तो आके तो धुलवाना ही था। मैं इनसे ही वॉश करवाता हूँ, कृष्ण भाई हैं अपने। थैंक यू सो मच भाई। और ये भाई भी हैं, ये मेन है, सबसे पहले यही मिले थे मुझे है ना, फोर में नहीं ने अपने। ओके ब्रो, अगर करवाओगे इनसे तो नाम ले लेना मेरा भाई, अच्छा लगेगा इनको भी और मुझे भी। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं इसका ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ, पूरे 2 साल का। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं इसकी वीडियो जल्दी बनाऊंगा, बट मैं एक चीज़ की वेट कर रहा था कि ये कि पूरा एक्सपीरियंस कर लूँ अच्छे से। और मुझे खाली 2 साल नहीं, 2 साल और कुछ महीने हो चुके हैं। कुछ महीने से मेरा मतलब है, अक्टूबर को ली थी मैंने 2021, तो अभी के लिए डेट है 2 और जनवरी का महीना चल रहा है, नया साल 24 आ चुका है, उस हिसाब से 2 महीने ऊपर हो चुके हैं। अब चलते हैं फटाफट से किसी खाली जगह और उसके बाद बात करते हैं। तो फाइनली गाइस, आ चुका हूँ खाली जगह पे जहाँ पे कोई परेशान करने वाला नहीं है और जहाँ से शुरुआत हुई थी। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस पे ऑल्ट पे भी जाओगे तो मैंने इसका रिव्यू किया था, काफ़ी डर डर के उस टाइम मैंने शुरुआत की थी। उस दिन का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ क्योंकि वो दिन हिम्मत करके मैं वीडियो बनाने चला गया था और उसके बाद बनाता गया इतने, आज 4000 सब्सक्राइबर में बैठा हूँ। होप सो जल्दी 5000 भी हो जाएंगे। सो काम की बात करते हैं और डीप में बात करने वाला हूँ। पूरे 2 साल का जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ शेयर करूँगा। क्या नेगेटिव पॉइंट्स, क्या क्या दिक्कतें आई। और बाइक अभी मैं दिखा देता हूँ भाई, कितनी चली है बाइक अभी, चली है 12116 किलोमीटर चल चुकी है। ये अगर आपको दिखाई, ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है, 12116 किलोमीटर बाइक चली है। कुछ ज़्यादा नहीं चलाई है मैंने। सर्विस जो इसकी हो चुकी है वो 4 सर्विस इसकी हो चुकी हैं, 4 से 5 सर्विस मैंने करवा ली है इनके बीच। और सर्विस मुझे इनकी अगर मैं बोलूँ तो उतनी बढ़िया नहीं लगी, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो, मेरी ना फ्री सर्विस थी 3, उन 3 सर्विस में मेरा इन्होंने एयर फिल्टर चेंज नहीं किया। मैंने उनको बार बार बोला कि कर दो आप, कर दो कर दो, बट इन्होंने लेबर कॉस्ट बचाने के चक्कर में मेरी जो 3 सर्विस में एयर फिल्टर चेंज करना था वो नहीं किया है। और एयर फिल्टर चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका जो एयर फिल्टर लगा हुआ है वो इसके नीचे लगा हुआ है, इसके डीप में लगा हुआ है। सो ये पूरा खुलता है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है इसको खोलने में। लगाने में तो खाली लगाना ही होता है बट टाइम बहुत लग जाता है। सो इस वजह से मुझे सर्विस उतनी खास नहीं लगी जितनी होनी चाहिए थी। इसकी एवरेज मुझे ठीक लगती है, लाइक मुझे इतना हो जाता है कि 30 से 35 की एवरेज अगर मैं आराम से चलाऊं तो मुझे दे देती है। अगर मैं पूरा एग्रेसिव चलाऊंगा तो 20 से 25 इतनी तक की इसकी जो मुझे एवरेज है वो मिलती है। और बाकी बाइक आप देख पा रहे हो भाई, खूबसूरत तो है ही है, वो तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। इसकी खूबसूरती देख कर ही मैंने बाइक ये परचेज़ की है। एक्रा बोवी का एग्जॉस्ट डलवा रखा है मैंने, ये रिसेंटली डलवाया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे। एक बार आवाज़ सुन लेते हैं भाई। अगर डलवाओगे तो भाई एक्रा पोबिक के डलवाना है क्योंकि थोड़ी बेसी होती है और लाउड भी है। एससी का ना बहुत ज़्यादा लाउड रहता है भाई, दूर से पता लग जाता है कि यू नो काफ़ी तीखी तीखी साउंड होती है तो थोड़ा इरिटेट भी करती है वो। उसके अलावा फ्लैशर डलवा रखी है मैंने, रिंग लाइट डलवाई थी वो मुझे इतनी बढ़िया नहीं लगी, रेड कलर की डलवाई थी तो फिर मैंने उतार दी थी। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में, पूछो मत भाई, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं कंपनी पर गया अभी, उनसे बात करी, वो बोलते हैं कि इधर से आवाज़ आ रही है, तुमने ये डलवाया है। बाकी अगर आप चाहते हो कि वाइब्रेशन नहीं आनी चाहिए तो उसका रीज़न ये, आप इसमें मॉडिफिकेशन कुछ भी मत करवाना। फ्लैशर अगर लगे हाथ, बंदा बार बार सी हाथ डालकर कर देता है, लगा देता है तो ठीक है, मतलब मेनली ये टापा नहीं खुलवाना आपको। अगर टापा एक खुलवा दोगे ना, ये जो लगा हुआ है ये देखो, इधर तक लगा हुआ है, इसमें लोग लगे रहते हैं, ये अगर आप खुलवाओगे तो फिर आपको क्या होगा कि जब लगेगा तो उसके बाद वाइब्रेशन बहुत आनी शुरू होंगी और इधर से ही आती है और कहीं से नहीं आती क्योंकि मैं बाइक राइड करता हूँ। और वही बात है यार, पूरा 2 साल हो चुके हैं मुझे तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही आपको चीज़ें बता रहा हूँ। खराब क्या क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका फ्यूल पंप है ना, एक तो वो खराब हुआ था और एक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम और थी जो ये लॉक वाली तार थी, मतलब ये जो पूरा लॉक था ये पूरा चेंज करवा रखा है मैंने। कंपनी की तरफ से जो बाइक ली थी जब इसमें लॉक लगा हुआ था, ये वो वाला लॉक नहीं है, हालांकि ये है कंपनी का, बट प्रॉब्लम ये है कि ये लॉक मैंने अब नया डलवाया है तो चाबी भी मुझे नहीं मिली है, और चाबी भी इतनी ज़्यादा नहीं घिसी है, चाबी कुछ ऐसी रहती है भाई इनकी। सो एक ये दो और ये वाला तीन, ये तीन लॉक चेंज हुए थे भाई, और मेनली ये इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। और हो ऐसा नहीं हो रहा था कि लॉक नहीं लग रहा था, हो ये रहा था कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, बीच बीच में बंद हो जाती थी। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, अब बीच बीच में होंगी, अगर आप स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको शायद मिल जाएगी। सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी सर्विस कॉस्ट मुझे आती है करीब 700 की विदाउट लेबर चार्जेस, और लेबर चार्ज अगर करेंगे तो 1100 या 1200 के बीच में पड़ती है, 500 रुपये इसकी लेबर कॉस्ट लेते हैं। तो फ्यूल पम्प ख़राब हुआ था इसका, दूसरा इसका लॉक की तार है जो वो ख़राब हुई थी। वाइब्रेशन इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा है, अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, अभी मैं लेकर भी जाऊँगा, देखते हैं इसमें डबल टेपिंग करवा कर अगर कुछ होता है, नहीं तो भाई यार फील नहीं आता इस बाइक में, समझ रहे हो। एक तो होता ना बंदा पूरा रेड लाइन करता है, मैं रेड लाइन बहुत ज़्यादा कम करता हूँ, सो ये इसका RPM है, ये रेड लाइन है, यहाँ पर मैं बहुत कम लेकर जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है यार इंजन में दबाव आएगा और गाड़ी उतनी ज़ोर से खींचेगी भी, बट ये चेक करो भाई कितना ढीला हो चुका है। हालांकि अभी मैंने 1 से 1.5 महीने पहले इसकी सर्विस कराई है। और ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आई है, ब्रेकिंग एकदम मस्त चल रहे हैं, डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है तो इसकी ब्रेकिंग मुझे बहुत बेटर लगी, ब्रेकिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सीटिंग पोस्चर भी सही है, सीटिंग पोस्चर में कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से मैं बैठ जाता और चलाता हूँ इसको, और पीछे मेरे मम्मा भी बैठते हैं कभी कभी तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसा नहीं होता कि लाइक आगे को गिर रहे हैं। बाकी यार ये गाड़ी सिर्फ 12,000 समथिंग किलोमीटर चली हुई है, और इसमें प्रॉब्लम ये आ गई थी इसके क्लच प्लेट टूट गए थे, तो लगे हाथ मैंने क्लच प्लेट्स भी डलवाए हैं, मैंने ये कंपनी की तरफ से ही करवाया था, मैं बाहर से कुछ भी नहीं करवाता, सिंगल चीज़ भी मैं छोटी छोटे अगर नट भी डलवाने होते हैं तो वो मैं कंपनी से ही करवाता हूँ। इसकी क्लच प्लेट्स की कॉस्ट आई थी वो करीब आई थी 1700 की, और कंपनी की तरफ से बजाज की तरफ से जो इसके पार्ट्स हैं मुझे तो ठीक लगे, लाइक इतने एक्सपेंसिव नहीं लगे अगर मैं कंपेयर करूँ KTM ब्रांड से। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम है, अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट कर देना ज़रूर। अगर और कोई पॉइंट अगर मुझे बोलने हो इसके नेगेटिव के तो और कुछ खास नहीं है, वाइब्रेशन की बहुत ज़्यादा लगी, जो क्लच प्लेट्स थे वो इतनी जल्दी ख़राब हो गए, वो मुझे लाइक ऐसा था कि पता नहीं क्या हो गया, इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई बट इसके क्लच प्लेट्स उड़ गए थे। बात करें अगर मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत ज़्यादा पैसे इतने नहीं होते हैं, क्या ये बाइक रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इतना खर्चा तो नहीं करवाती, तो मैं आपको सीधी बात बोलता हूँ, बाइक सिंगल हैंडेड रखो, किसी को चलाने को मत दो, अपने हिसाब से चलाओगे तो ज़्यादा बढ़िया चलेगी, टाइम टू टाइम सर्विस कराओ, और इतनी ज़्यादा एवरेज नहीं खाती है भाई, मतलब एग्रेसिव चलाओगे तो उतना ही तेल पिएगी, अगर नॉर्मल चलाते हो सही चलते हो तो फिर एवरेज में ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा तेल डलवाना पड़ रहा है। और उसके अलावा और कुछ खास इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बाइक मुझे बहुत सही लगती है, सिर्फ यही जो बातें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जिन जिन बातों ने मुझे हैरान किया वही मैंने बातें आपके साथ शेयर करी है, जहाँ से शुरू किया था आज यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, पहले बोलना भी नहीं आता तो आज इतना भी बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी लाइफ में भी अगर आप कुछ करना चाहते हो अपने हिसाब से जल्दी जल्दी से शुरू कर दो भाई, सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ बस लास्ट में इतना ही कहूँगा कि होप सो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, लगी तो वही मेरा कहना कर देना सब्सक्राइब, बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, ख्याल रखो अपना।